अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स के तहत शाबान बिल्डिंग के करीब दो नामालूम अफराद ने मुतवफ़ी पर दो राउंड गोलियां चलाई, जिसके सबब वो मौके पर ही फौत हो गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया कि मुर्गी चौक एरिया टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के अंदर में यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। 12:30 को नाइट में इन्फॉर्मेशन आया, इसके बाद में इमीजिएटली पुलिस यहाँ पे आई और हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्पॉटेड डेड बॉडी है यहाँ पे। इसके बाद में हमने उसको शिफ्ट किया टू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। इसके बारे में जो ब्रीफ फैक्ट्स है, बेसिकली डिसीज पर्सन का नाम आकाश सिंह है, इज़ अ 26 ईयर ओल्ड। यहाँ पे वो अपने दोस्त के पास यहाँ पे आया था। उसके बाद में इसके बारे में कुछ जो अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें आई है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर हमें पता चला है कि इसमें एक्यूज की तरफ से नाइफ और साथ में पिस्टल का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इलीगल ये वेपन है, आर्म्स है, इसके बारे में यूज़ हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी एक्यूज्ड है अभी तक एब्सकॉन्डिंग में, प्राइमरी बेसिस पे हमें कुछ क्ल्यूज वगैरह मिले हैं। साथ में यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और क्ल्यूज टीम को यहाँ पे बुलाया गया, उनके बारे में जो भी यहाँ पे शॉट्स वगैरह हुए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट और जिस तरह का मर्डर सीन है, उसके बारे में क्ल्यूज हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो आर्म्स की वजह से जो भी यहाँ पे शॉट्स फायर किए, इसमें मल्टीपल शॉट्स है, एग्जैक्टली कितने शॉट्स है, इसके बाद में हमें अभी तक आफ्टर क्ल्यूज टीम का प्रॉपरली एनालिसिस होने के बाद और साथ में हॉस्पिटल में पीएमई रिपोर्ट आने के बाद, वहाँ पे एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने एंट्री और कितने एग्जिट पॉइंट है, उसके साथ में कितने शॉट्स यहाँ पे फायर किए, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आएगा। सर, वो गन जो था लाइसेंसेस गन है अभी तक इसके बारे में कोई लाइसेंस गन से किया ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सभी डायरेक्शन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन फायर करें। वही अभी फॉरेंसिक टीम जो आई है यहाँ पे, क्ल्यूज टीम और साथ में जो पीएमई रिपोर्ट है, उसके बाद में ही वो क्लियरली बता सकते हैं कितने शॉट्स है, मल्टीपल शॉट है। लेकिन सर ये रिवेंज मर्डर है सर, इसके ऊपर जो है मतलब पहले से कुछ केसेस है या फिर ये जो है पॉलिटिकली यहाँ के बीजेपी से कंटेस्ट करने वाले एमएलए का पांजा है, और ये जो उसको बुलाया बल्कि ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, सब तक सही है। अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें आई है, इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है, किसी भी पॉलिटिकली अपोजिशन की वजह से ऐसा कुछ मर्डर हुआ है ऐसा नहीं लग रहा है। मोस्टली ये एक फ्रेंड्स के बीच में एक इश्यू हुआ है, उसके बारे में हमें अभी तक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। और शॉट्स की बात कीजिए तो इसमें मल्टीपल शॉट्स है, एग्जैक्टली कितने शॉट्स है, नंबर ऑफ शॉट्स, उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हमें पता चल जाएगा। और जो टीम जो डायमंड है पहले जो अस्सलाम वालेकुम आदाब, हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं 10 न्यूज 24x7। इसको YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।